हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनुपमा और अनुपम फूड्स चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं आज 5 मिनट में बहुत ही चटपटा नाश्ता बनाने वाली हूँ, जो वो खाकर पेट भी भर जाएगा और खाने में भी बहुत चटपटा लगेगा। तो चलिए बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ता बनाने के लिए थोड़े से प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके ले ली हूँ और थोड़े से सब्जी को, जो आप सब्जी पसंद करती हैं वो डाल सकती हैं। मैं इसमें बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च उसको बारीक चॉप करके ली हूँ और कढ़ाई में बस एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। इसमें पहले थोड़ा सा प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ली थी उसे डाल कर हल्का सा भूनती हूँ। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा भूनेंगे इसको। प्याज हमारे हल्के भून गए हैं, बाकी सब्जी को भी इसमें ऐड करके हल्का भून लेती हूँ। सब्जी हमारी भून गई है। अब इसमें मैगी टेस्ट मेकर एक पैकेट डाल रही हूँ, थोड़े से चिली सॉस, अगर आप तीता ज़्यादा पसंद करती हैं तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल सकती हैं, थोड़ा सा टोमेटो सॉस और इन सबको मिला लेती हूँ। अब इसमें एक कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब एक मैगी का केक ली हूँ, इसे इसमें डाल देती हूँ और बिल्कुल ड्राई मैगी बनाऊंगी इसका। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही तीखी और चटपटी मैगी हमारी ड्राई मैगी बनकर तैयार है। अब मैं सिंपल जिससे रोटियाँ बनाती हूँ उस तरह की 4 रोटियाँ आटे की बना करके ले ली हूँ। ये देखिए सिंपल आटे की रोटियाँ हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पिज्ज़ा सॉस लगाती हूँ, इसके जगह आप हरी चटनी या सिंपल सॉस जो भी पसंद है लगाएं या ना नहीं भी लगा सकती हैं। इस तरह से बीच में चारों तरफ लगा दे रही हूँ, किनारे किनारे हमें नहीं लगाना है। अब इस जो मैगी बना करके रखी थी इसे बीच में इस तरह से स्प्रेड कर देती हूँ। और आप चाहें तो थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ भी लगा डाल दें कद्दूकस करके तो काफ़ी अच्छा लगेगा, या चीज़ के स्लाइसें डाल दें, जो पसंद है उस तरह से आप कर सकती हैं। अब इसके ऊपर एक रोटी और इस तरह से लेकर के इसके ऊपर साइड साइड पूरी पूरा चिपका दूंगी इस तरह से। और इसे घी या बटर लगा करके पूरा हल्का कुरकुरा होने तक सेक लूंगी। ये लीजिए दोस्तों, हमारा मैगी स्टफ्ड पराठा बनकर तैयार है। ये खाने में सच मानिए बहुत ही चटपटा लगेगा और बच्चों को तो खास करके बहुत पसंद आएगा। इसे आप दही या रायता या किसी के साथ भी सर्व कीजिए तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मिक्स बहुत सारे वेजिटेबल्स भी डाली हूँ तो बच्चों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर इस रेसिपी से एक बार मैगी स्टफ्ड पराठा बनाएँ। धन्यवाद।